मई में होंगे शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले, शिक्षकों का ब्यौरा मांगा। शिक्षा मुख्यालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया निर्देश। हरियाणा में 7 महीने के बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षकों के तबादले होने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह 5 अप्रैल तक शिक्षकों का पूरा ब्यौरा अपडेट करें। इसके बाद विभाग खाली पदों और अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों की पसंद के अनुसार तबादले करेगा। विभाग ने पत्र जारी करके सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस प्रोफाइल के साथ साथ पर्सनल प्रोफाइल को भी वेरीफाई करने के लिए कहा है। यदि कोई शिक्षक अपनी सर्विस प्रोफाइल में बदलाव करना चाहता है तो उसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारी शिक्षक द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आवेदन को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस और पर्सनल प्रोफाइल को वेरीफाई करना अति आवश्यक होगा। यदि कोई शिक्षक अपने MIS का पासवर्ड भूल जाता है तो वह संबंधित MIS पोर्टल पर या संबंधित अधिकारी के पास जाकर पासवर्ड बदलवा सकता है। जिलों से सभी अध्यापकों की सर्विस और पर्सनल जानकारी मिलने के बाद विभाग समीक्षा करेगा और संभावना है कि मई महीने में तबादले शुरू होंगे। पिछले तबादलों पर हुआ था जबरदस्त विरोध। पिछले साल अगस्त में भी विभाग ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले किए थे, लेकिन स्कूलों में वर्कलोड से अधिक शिक्षक पहुंच गए तो कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई। इसको लेकर शिक्षकों समेत ग्रामीणों ने भी विभाग के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए थे। विभाग ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ड्राइव के नाम पर नया फॉर्मूला निकाला था। इसके तहत कई शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा भी गया था, लेकिन इसका भी विभाग को खास लाभ नहीं हुआ और स्कूलों में शिक्षकों की कमी का सिलसिला बरकरार है। इसके अलावा आज तक 500 से अधिक अतिथि शिक्षक आज भी अपने जिलों में 200 किलोमीटर दूर के स्टेशनों पर तैनात हैं। उनके लिए दोबारा से तबादला प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।